हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग ख़त्म किया है और अभी मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं जा रही हूँ अभी, एक्चुअली हमारा किचन का सब सामान जम गया है तो किचन के जो डब्बा डब्बीज हैं वो लेने के लिए जा रही हूँ और देखती हूँ क्या लेकर के आती हूँ। मतलब मैं कुछ सोच के नहीं जा रही हूँ क्या लेने जा रही हूँ। रैंडमली मुझे दो तीन चीज़ें लेना है। एक तो मैं सबसे पहले जाऊँगी मार्केट 99, उसके बाद कटलरी होल्डर देखना है मुझे, तो मैं वेबसाइट भी चेक करूँगी मार्केट 99 वेस्ट साइड, और उसके बाद जाऊंगी होम सेंटर। बस ये तीन जगह मुझे देखना है और मुझे कहीं नहीं भटकना है। सो बस ये तीन जगह जाने वाली हूँ मैं। और पहले मैं जाने वाली थी अपनी एक दोस्त के साथ, बट उनको समहाउ कुछ काम आ गया है तो शी इज बिजी राइट नाउ, सो आई एम गोइंग बाय माई सेल्फ। और थोड़ा अभी मैं फर्स्ट टाइम निकल रही हूँ मुंबई के ट्रैफिक में अकेले बाय कार, बिकॉज सामान बहुत ज्यादा है। अभी इतना रश होगा नहीं होगा, जो भी हो जय माता दी बोल के निकलते हैं। कब तक डरते बैठेंगे, क्योंकि ठीक है यार निकालती हूँ मैं, सीधी सीधी तो चलाना है। तो मैं कार लेकर के जा रही हूँ। विक्की ऑफिस निकल गया है। घर का जो स्टेटस है, जो बेडरूम है, वो देखो बेसिक तो सब जम गया है मेरा, टेबल लग गया है, सब लग गया है। अभी वो जो होता है ना डेकोर स्टफ होता है, कर्टन्स मुझे लगाने हैं, थोड़ा कुछ कुछ बनाना है। बेड अभी, बेड का जो है ये रिफर्बिश होने वाला है, बेड साइड टेबल्स रिफर्बिश होने वाले हैं। तो धोखा ही हो गया हमारे साथ कि हमारे जो कारपेंटर भैया हैं वो छुट्टी पे चले गए। ये मुझे पहले पता होता ना कि मेरा जब काम चालू हो रहा है और वो छुट्टी पे इस डेट पे जाने वाले, तो मैं लिटरली सारा काम उनसे पहले से ही सब करवा लेती। बट अनफॉर्चुनेटली उनने हमको पता कब बताया, जब वो निकल रहा है उसके एक दिन पहले। वी हैड लिटरली नो ऑप्शन, नो क्लू। और उनको अभी वहाँ से ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है, गर्मी ज़्यादा है, ये है वो है। तो अभी 10 दिन हो गए, मतलब अभी 10 दिन में मैंने ये सोचा था जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे सनमाइका मुझे कुछ कुछ जगहों की चेंज करवानी है, लैमिनेट्स चेंज करवाने हैं, थोड़ा ठीक करवाना है उसको, वो सब में ना मेरा भी पूरा खत्म हो जाता है, पता है अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो यार अभी वही है। और फिर क्योंकि अभी ये पता है कि हमारे ही घर है तो हम लोग बहुत स्पीड में भी नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं यार अच्छे ही काम करवाएंगे, थोड़ा ठीक, थोड़ा लेट भी हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा तो चलता है। तो वो भी एक रीज़न है कि काफ़ी लेट हो गई चीज़ें। तो चलिए चलते हैं, फट से रेडी होती हूँ और 2 मिनट में आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो रेडी होने से पहले मैं अपना स्किन को थोड़ा सा प्रेप करूंगी। सो बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग और जो एक्सर्शन हुआ है और जो मेरा जगह जगह का पानी चेंज हो रहा था, मोन्स, और मेरी स्किन भी सोच रही थी कि भाई करना क्या चाह रही है, ये कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर का पानी पी रही है, कभी उधर का कुछ हो रहा है। सो उसकी वजह से मेरी स्किन पे डेफिनेटली वो जो एक्सर्शन है वो दिख रहा है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ, अब तो यहाँ के काफ़ी कम हो गए हैं एक्नेस, बट स्टिल आई हैव मार्क्स, आई हैव दिस मार्क, आई हैव एक्ने हियर एंड देयर, कुछ कुछ जगहों पर मुझे एक्नेस है। सो उसके लिए आई एम यूजिंग 5% नियासिनेमाइड सीरम। ये जो 5% नियासिनेमाइड डेली फेस सीरम है, ये हेल्प करता है एक्ने मार्क्स को फेड अवे करने में। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग मेलानिन प्रोडक्शन और आपको ये क्लियर स्किन, स्पॉटलेस स्किन देता है रेगुलर एप्लीकेशन से। तो इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि आपके डार्क स्पॉट्स और एक्ने मार्क्स को ये फेड करता है, आपकी स्किन टोन को इवन करता है। आपको लगाना कैसे है, अप्लाई 3-5 ड्रॉप्स ऑफ द सीरम ऑन योर एंटायर फेस एंड नेक, मसाज जेंटली अंटिल कंप्लीटली एब्जॉर्ब, और इसको आपको एवरीडे यूज करना होता है। को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना होता है जब भी आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। सो दीज फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशंस आर पावर्ड विद अ पेनिट्रेशन बूस्टर दैट हेल्प्स द सीरम टू डीपली पेनिट्रेट द स्किन, मेकिंग इट सुपर इफेक्टिव इवन विद अ लोअर परसेंटेज ऑफ एक्टिव। तो आप जब भी डर्माको का प्रोडक्ट डर्माको की वेबसाइट से परचेस करेंगे, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। दे हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। इसको यूज करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर करिएगा। स्टार्ट योर जर्नी टू अ हेल्दी स्किन दैट नीड्स नो फिल्टर एट द dermaco.com। आप मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 20% ऑफ डर्माको की वेबसाइट पे। द डर्माको पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये डिजाइंड होते हैं बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, दे आर एक्सट्रीमली सेफ। सो इसमें द 5% विटामिन सी डेली फेस सीरम भी अवेलेबल है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और पिगमेंटेशन से फाइट करता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। रेडी होती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। तो दिस इज राइट नाउ आई एम वेयरिंग, मैंने जीन्स पहना था बट अभी ये जो ट्राउजर है ना उसमें चेंज कर लिया है। लेट्स गो। Okay guys, so
फाइनली आई रीच टू विवियाना. ओ माई गॉड, मेरा पैर ना एकदम ऐसे दुख गया है क्लच और ब्रेक की वजह से. बट ठीक है, अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगी. बट एटलीस्ट मैं निकली तो यहाँ पर अकेले. मेरा जो सामान है ना वो रख दिया है गाड़ी में, और अब मैं आराम से घूमूंगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी था. उसमें मिरर था और साथ में वो था, क्या बोलते हैं, मेटल था, तो इसलिए वो रख दिया उसके अंदर. नाउ टू बाई दिस वन, लेकिन ये इसका जो रेट है ना वो यहाँ पर 2,250 है, और यही सेम आइकिया में 1,100 रुपये में मिलती है. सो आई थॉट कि यार यहाँ पे दो लूँगी, इसमें 4,000 कुछ हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं ये आइकिया से ही मंगवाऊँगी. सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये ग्लॉसी है और आइकिया वाली मैट है. सो देखते हैं क्या ले सकते हैं. और यहाँ से buying one of these, look at these, how beautiful, right? But the thing is कि ये जो आ रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा expensive हैं. ये देखिए कितने का है, 599. तो मुझे ये बहुत expensive लग रहा है, तो I think I'll go with this one. इसमें भी welcome लिखा हुआ है और ये 399 है, तो 400 रुपये का भी महंगा लग रहा है मुझे ये. मैं सोच रही हूँ कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए. तो मैं बाकी सारी चीज़ें भी चेकआउट कर रही थी होम सेंटर में कि क्या क्या कलेक्शन आया है, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद में आई थी. सो मुझे काफ़ी कुछ चेंजेस भी किया है इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में, और काफ़ी स्टेनलेस स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं नए, प्रेस्टीज वगैरह की काफ़ी 3x3 3x3 वाली जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना वो भी आ गई हैं. मैं यहाँ पर एक तड़का पैन देख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब 1199, मतलब 1200 रुपये का था. गाइज ये ऐसी सेम तड़का पैन मेरे पास है जो कि मैंने आई थिंक 400-500 रुपये में ऑनलाइन खरीदा था, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो. दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वेरी 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 एक्सपेंसिव, सो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. मैंने सारे देख लिए हैं कंटेनर्स साइजेस वगैरह. मुझे ये एक्रेलिक वाले पसंद आ रहे हैं, बिकॉज मैं सारे ग्लास के नहीं लेने वाली हूँ. सो आई थिंक दीज आर द गुड वन. लेट्स सी, अभी थोड़ा चेक करके. Having these frames, और even मुझे ये frame भी बहुत पसंद आई है, but this is of 2399, जिसको लेना मुझे worth नहीं लग रहा है. And even ये वाला जो frame है ना ये भी 1899 है. ऐसा लग रहा है कि यार इसमें painting में तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं बना लूँगी. तो now what I'm doing is कि मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ अपने आप को और इतना पैसा बर्बाद नहीं करूँगी. 4,000 की थी, दो फ्रेम्स आ रहेंगी जिसको बहुत आराम से DIY किया जा सकता है. तो थोड़ा रिलैक्स होकर के मैं सोच रही हूँ खुद ही DIY करूँगी. तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें ली हैं, ज़्यादा सामान लिया भी नहीं है, तो किसी को बिल कराते हैं. सो आई एम डन. मेरी हालत देखो भाई कैसी हो रही है. एक तो ना मास्क अब पहनना नेक्स्ट वो हो जाता है, इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ हो जाती है. मैं ना बहुत ज़्यादा सीट आगे करती हूँ. बहुत सारी शॉपिंग कर ली है मैंने, और 4:30 बज गए हैं. आज हमारे यहाँ कारपेंटर भी आने वाले हैं. वो जो होता है ना कपड़ों वाली जो सीलिंग रैक होती है वो हमने मंगवाई है ऑनलाइन. बहुत चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी मंगवा रखी है. मतलब अब जो मैं काम करवा रही हूँ ना वो सब परमानेंट रहने के हिसाब से काम करवा रही हूँ, तो उसमें क्या है थोड़ा टाइम भी लग रहा है. खुले पैसे निकाल ले भाई, पैसे फटेंगे अच्छे खासे. आ करके मुझे खाना बनाना है क्योंकि आज विक्की ऑफिस गया है. अभी वो भी बेचारा थक के आएगा, तो उसके लिए खाना बनाना है. और आई एम इवन थिंकिंग टू कीप अ कुक फॉर एटलीस्ट 2-3 months. आज मैं आप लोगों के साथ में टूर करने वाली हूँ एक मार्केट प्लेस का. ये मुंबई का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट है एज पर माई नॉलेज, ऐसा मैंने पढ़ा इसके बारे में. सो हम लोग जा रहे हैं भिवंडी के कशेली मार्केट. सो मेरी जो फ्रेंड है निशा, एक्चुअली उनका भी नया ही घर है, मतलब एक साल ही हुआ है उनके घर को भी. तो उन्होंने अपने घर का जो सोफा है, सेंटर टेबल है, ये सब चीजें वहीं से लिया. तो शी रिकमेंडेड मी फ्रॉम दैट डे ओनली कि तुम जाना कभी वो मार्केट, जाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो जैसे ही मैंने गूगल पे डाला ना तो उसमें लिखा हुआ आया था दिस इज द बिगेस्ट मुंबई फर्नीचर मार्केट एंड ऑल दैट. तो देखते हैं जा करके, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. और हम लोग देखते हैं, हम बहुत खुले मन से जा रहे हैं. सोफा तो डेफिनेटली हमको लेना ही है, बट हम बहुत ऐसे जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. एक मेरे चॉइस में ऑलरेडी बैकअप है, अगर मुझे कहीं पसंद नहीं आता है तो मैं वहीं से ही लूंगी. तो लेट्स सी वहां पर जाके देखते हैं कैसे क्या मिलता है, बजट में है कि एक्सपेंसिव है कि क्या है क्या नहीं है. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को लेकर के चलती हूँ. सो या लेट्स गो, हम जा रहे हैं थाने टू भिवंडी. Yes, I'm excited. Let's go.
get hardly any parking here. आपको अपनी रिस्क पे पार्क करना है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे. हम लोग इतने सही टाइम पे आए हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. मैं लास्ट टाइम जब लाइट्स लेने गई थी तब भी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में नहीं थी, आज मैं सोफा लेने आई हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. मतलब हर डे समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारे कलर्स तो समझ में ही नहीं आ रहे. लाइट्स हैं बट बहुत कम लाइट्स यूज करिए फिर इन लोगों ने, क्योंकि जनरेटर और इन्वर्टर्स चल रहे हैं. लेट्स सी. तो इस मार्केट में बहुत सारी शॉप्स ने तो हमको अलाउ नहीं किया शूट करने के लिए उनके फोटोग्राफी. मतलब आप ले भी परचेज भी कर रहे हो ना तो भी आप सोफे की फोटोज नहीं ले सकते हो. बहुत सारे शॉप्स ने वहाँ पे मना कर दिया था, जबकि ऑलमोस्ट सारे शॉप में सब सेम डिज़ाइन था, सोफे का, चेयर्स का, सब कुछ सेम डिज़ाइन था. बट ठीक है, कोई नहीं. तो काफ़ी बड़ा, मतलब कशेली आप देखा जाए ना तो बहुत बड़ा मार्केट है. हर चीज़ का, हर चीज़ मिलता है यहाँ पर, मतलब होम डेकोर से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड. तो अगर आपको कुछ बड़ा सामान लेना है ना, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करके मत आना कि आपको यहाँ पे सस्ती कुछ चीज़ मिलेगी, सस्ता सोफ़ा मिलेगा या सस्ता चेयर या सस्ता डाइनिंग, ये सब नहीं. एक्सपेंसिव रेंज मतलब 35-40 के ऊपर यहाँ पर स्टार्ट होता है, एंड देन यू विल गेट अ, फिर आपको लमसम जितना महंगा लेना उतना महंगा आप ले सकते हो. ये मैं एक शॉप पे आई थी जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे डेकोर आइटम्स थे, तो मैंने जो शैंडलियर लिया है ना उस तरीके के शैंडलियर यहाँ पर भी अवेलेबल थे. और यहाँ के जो प्राइजेज हैं वो मेन जो मैंने थाने से जहाँ से लिया है वहाँ के प्राइजेज से कम रेट था, मतलब मुझे कम लगा. एंड आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ, है ना, क्यूट क्यूट जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं. बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर चीज़ें थी घर पर रखने के लिए, बट वही है कि इतनी जगह भी होना चाहिए. हम लोग तो ये कोशिश करते हैं घर बड़ा बड़ा लगे, छोटा छोटा ना लगे. ये छोटी 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 चीज़ें रखने से वो थोड़ा और वैसा कंजस्टेड टाइप का हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है. बहुत प्यारे प्यारे 3D पेंटिंग्स थे. अगर आपका बड़ा बड़ा लॉन है, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, मतलब यहाँ से मिरर्स ले सकते हो, एंड वेरी ब्यूटीफुल मेटल की चीज़ें भी बहुत प्यारी थी. एंड लुक एट दीज यार, ये तो इतने क्यूट लग रहे थे. इफ़ यू आर मेकिंग राजस्थानी थीम ना, तो आप यहाँ जा सकते हो कशेली मार्केट, आप ज़रूर जाइएगा जब भी आपको कुछ भी सामान आमान चाहिए. थोड़ा एक्सपेंसिव था, थोड़ा नहीं अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी. बट हाँ, इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड मनी आप डेफिनेटली कर सकते. जैसे ये ट्रे 6,000 का था, ये ट्रे भी 5,000-4,000 का था, मतलब थोड़ा महंगा तो था. फिर ये थोड़े से रॉयल टाइप के जो सोफाज होते हैं वो थे. एवरीवन, तो बेसिकली अभी मैं जा रही हूँ आइकिया, अपनी जो मेरी पुरानी सोसाइटी में दी रहती है शालिनी दीदी, तो वो, उनकी बेटी, मैं, हम तीनों जा रहे हैं आइकिया. सो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी है, मैं पूरी लिस्ट बना करके जा रही हूँ. और इस बार मतलब अब मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जाऊँगी. हमने सोचा था जब हमारा घर थोड़ा जम जाएगा तो एंड में समझ में आएगा कि क्या क्या लेने जाना है, तो वही सब मैं अभी लेने के लिए जा रही हूँ. विक्की ऑब्वियसली नहीं जाने वाला, अकेली आती, अभी अकेली नहीं आ रही हूँ. दीदी से मैंने पूछा तो शी इज ऑल्सो रेडी टू कम विथ मी, सो हम लोग सब साथ में जा रहे हैं. एंड या आई एम एक्साइटेड. और हमको ऐसे जाना है कि हम 6 बजे से पहले वापस आ जाएं, ताकि आज फ्राइडे है तो ट्रैफिक वगैरह इतना ज्यादा ना रहे. सो यस, लेट्स गो. अभी वो लोग आ रही है, मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में हूँ, दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है. तो हमारे पास शॉपिंग के लिए ना टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी. मैं बिल्कुल भाग भाग करके जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें परचेस कर रही थी. एंड इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है. काफ़ी कुछ शॉपिंग करा है यहाँ से आइकिया से. और यस, ये है शालिनी दीदी और ये उनकी डॉटर है तनीषा. दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, बहनें लग रही हैं दोनों. सो यस, हाई एवरीवन. सो कल आई थिंक आइकिया से आने के बाद आई डिड नॉट व्लॉग, और मैं अभी एकदम ऐसे प्रॉपर जो रूटीन व्लॉग्स होता है ना वो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, वो जब तक मेरा घर नहीं हो जाता प्रॉपरली. जैसे किचन टूर हो जाएगा तब किचन का शो करने लगूंगी, या जब कुछ हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा तो बेडरूम शो करने लगूंगी. वैसा मैं शो करने लगूंगी, बट अभी उससे पहले आपको पता होगा कि मैं झलक भी नहीं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब उसमें तक, क्योंकि फिर मेकओवर देखने में नहीं तो मज़ा नहीं आता है. सो वो जब हो जाएंगे तब मैं दिखाना स्टार्ट कर दूंगी. बट अभी हाँ, अभी आपको मोस्टली, क्योंकि अभी शॉपिंग ही चल रही है, शॉपिंग इन द सेंस मीन्स ऐसे बहुत मैसिव शॉपिंग नहीं चल रही है, मैसिव कल करके आ गई हूँ मैं, खैर तो लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी तो ऐसे बहुत मैसिव शॉपिंग नहीं हो रही है. लेकिन छोटे मोटे सामान के लिए, जैसे अभी अभी हम आज भी निकल रहे हैं, तो आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी दूर जा रहे हैं कंपेरेटिवली. पूरा लिस्ट बना करके कि क्या क्या मुझे लेना है वहाँ से, ताकि बार बार ना जाना पड़े. तो कुछ काम की चीज़ें लेकर के आनी है, तो वही लेने के लिए आज जा रहे हैं. एंड आज सैटरडे है, और एक और मैंने ना कुछ ऑर्डर दे करके रखा था वहाँ पे किसी चीज़ का, वो भी रेडी हो गया है. तो उनका मेरे पास कॉल आया था, बड़े रिक्वेस्ट पे मैंने वो बनवाया है. तो एक कलेक्टिव हॉल आपको सारी चीज़ों का मिल जाएगा, अमेजन शॉपिंग और ये शॉपिंग, वो शॉपिंग, कहाँ से क्या क्या किया है. भाई देखो, जहाँ से मुझे सस्ता पड़ रहा है, मतलब जो चीज़ मुझे इस जगह से चीप मिलेगी वहाँ से वो चीज़ मैं ले रही हूँ. जो चीज़ मुझे बनवाने में चीप लग रही है वो मैं बनवा रही हूँ, और जो मुझे खरीदने में चीप लग रहा है वो मैं, ऐसे करके हम लोग ने थोड़ा वाइसली स्पेंड कर रहे हैं.
विक्की ड्राइव कर रहा है क्योंकि कल मैंने बहुत ड्राइव कर लिया था. कल लिटरली मेरे आते टाइम ना पैर ऐसे क्लच एंड ब्रेक पे आपका पैर रहता है तो मेरा तो वो क्लच वाला जो पैर है ना वो ही दुखने लग जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आइकिया इज ऑल्सो इतना पास में नहीं है, काफी दूर है, एक घंटा जाने में लगता है, एक घंटा आने में लगता है, ट्रैफिक हो जाता है तो और आपको बहुत टाइम लग जाता है. तो ठीक है, बट अच्छा एक्सपीरियंस था गाड़ी वाड़ी चलाने का भी और वहाँ शॉपिंग करने का अकेले हम दोनों के, भैया भी नहीं थे दीदी के साथ और विक्की नहीं था मेरे साथ, तो हमने ना दिमाग बिल्कुल बहुत खुशी से शॉपिंग करी. नहीं तो होता ना हस्बैंड जाते तो अरे ये क्यों लेना है, ये क्यों लेना है, यही चलता रहता है. तो हम लोगों ने बड़ा मन खोल करके शॉपिंग करी है. सो यस, छप्पर फाड़ के बिल भी आया. कोई देखो बिल आ जाने के बाद, घर आ जाने के बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता है. तो ना मुझे लगता है आई एम श्योर वहां पे भी कुछ बोल एक बार बोला होगा कि क्यों लेके आ गए, अब लेके ही आ गए तो क्या बोलेगा कोई इंसान. सो ऐसा है. इतनी स्वीट थी वो, मुझे ऐसा लगा ही नहीं. पहली बात तो जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम मिलती हूँ ना सामने वाले से, सामने वाला जो होता है जो भी मिलता है वीडियो के थ्रू मुझे जानता है, आप लोगों को मेरी लाइफ पूरी पता होती है बट मेरे को नहीं पता होता है. तो खुद ना कुछ लोगों के साथ एकदम इंस्टेंट कनेक्ट होता है, तो वो भी मेरे को वैसे ही मिली, बिल्कुल इंस्टेंट कनेक्ट वाली थी. तो हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए और मिलते हैं बाद में, प्लान करते हैं वो. हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों से आई थिंक 3-4-5 days बाद मिल रही हूँ. तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने आपको आई थिंक इसी ब्लॉग के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया था कि हमारे जो कारपेंटर भैया हैं वो अपने गांव चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए. सो ही इज़ बैक नाउ एंड नाउ द वर्क हैज़ स्टार्टेड अगैन, मतलब कल से फिर से काम स्टार्ट हो गया है. तो जैसे ये जो यहाँ पे जो बेडरूम के बाहर जो बैल्कनी है उसकी, उस पर गेट लगना था, फिनिशिंग्स होनी थी बहुत सारी, जो फिनिशिंग बच गई थी वो हो रही है. हमारे जो हमको जो फर्नीचर रिफर्बिश कराना था वो काम हो रहा है. उसके बाद हम लोगों को बेड का भी कुछ कुछ काम करवाना है तो वो काम होगा. तो इट विल टेक अगेन 4-5 days. दैट्स द रीज़न कि मेरा जो व्लॉग है, जो मेरी इंटेंसिटी अगेन अपलोड की, वो फिर ब्रेक हो गई. मैं सोच रही थी किचन टूर के बाद कि आई बैक टू बैक, मतलब 2-2 days के ब्रेक में आई पोस्ट वीडियोज़, बिकॉज वीडियोज़ तो बना रही हूँ मैं. जैसे व्लॉग बनाया है मैंने, Q&A वीडियो भी शूट किया है मैंने, एक हॉल वीडियो भी बनाया है आइकिया का जो भी है. तो मतलब आई एम फिल्मिंग वीडियोस बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उसको एडिट करने का, क्योंकि विक्की का चलता है ऑफिस, वो दिन भर रहता है कॉल पे तो मुझे बाहर बैठना पड़ता है वो जब काम कर रहे होते हैं. तो किसी एक को तो वो करना ही पड़ेगा. सो दैट्स द थिंग गोइंग ऑन. चलो एटलीस्ट वो एक काम खत्म हो जाएगा. सो सोफा जो है हमने बुक कर दिया है, हमने कहाँ बुक किया है वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी. फॉर एंड फॉर माई बैल्कनी मेकओवर वो मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में स्टार्ट करना, क्योंकि ऑलमोस्ट बैल्कनी की सारी चीजें हो गई हैं, आ गई हैं. तो बस अब मुझे वो जो DIYs होते हैं ना वही बनाना है, उस दिन मुहूर्त निकालना है. कल तो सैटरडे संडे आ गया तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. एंड या दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो. काफी लोग मुझसे पूछते हैं आप रेगुलर कब हो जाओगे, आप रेगुलर कब हो जाएंगे. गाइस थोड़े दिन की बात और है, उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊंगी, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा काम है. मतलब एक बार ये सेट हो जाएगा ना फिर तो रेगुलर है यार, फिर आप देखते रहना मेरे को रेगुलरली. सो अभी थोड़ा होगा, बैक एंड फोर्थ होंगी चीजें. सो यस, यही है, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.